भाई यार लड़की तो हमें ही देख रही है और देख स्माइल भी कर रही है। लगता है बात तो बन गई आज। हाँ आज तो तेरे भाई का दिन बन गया और वैसे भी देखने में भी तो मस्त है। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, करना बात उससे। हाँ एक काम करता हूँ, कुछ अपना नंबर दे देता हूँ, क्या पता बात ही बन जाए। जल्दी लिखाऊंगा फिर चलते। मेरा भी लिख दे। हाँ देखो बोरी। हाँ हेलो हाय। वैसे मैंने आपकी कमर पर हाथ फेरा तो आपने मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, ऐसा क्यों? अरे इसमें गुस्सा क्या करना, अच्छे खासे हैंडसम तो दिखते हो तुम। वैसे तुमने मेरी कमर पे हाथ फेरा है तो कुछ सोच समझ के ही फेरा होगा ना। अच्छा लगा था इसलिए तो किया था। तो फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, वैसे भी मैं सिंगल हूँ। अच्छा सिंगल तो मैं भी हूँ। सच में? हाँ हाँ। वैसे तुम दोनों करते क्या हो? सुबह घर से निकलते हैं, कभी स्कूल के बाहर तो कभी कॉलेज के बाहर, नहीं तो मार्केट के आसपास। आप जैसी लड़कियों को देखकर अपना टाइम पास करते हैं। अच्छा लड़कियां देखकर आंखें सेकने का काम है तुम्हारा। हाँ वैसे आपकी सोच बहुत एडवांस है और आप और लड़के से बहुत डिफरेंट भी। डिफरेंट तो मैं हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसे लड़के पसंद हैं, पर आजकल मिलते ही नहीं है, तुम दोनों मिले हो इतनी मुश्किल से। वैसे मैं एक जगह जाती हूँ जहाँ पे सारे लड़के तुम्हारे जैसे हैं और उन्हें देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब अंदर से खुशी मिलती है। तो अब समझ में आया आपको हमारे टाइप के लड़के पसंद है। हाँ शायद। वैसे यही टाइम खराब करते रहोगे या कहीं चलने का भी प्लान है? हाँ, चलो क्यों नहीं। वैसे मेरे घर चल सकते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। ठीक है तो चले। तो ये मेरा घर है और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। ओके तो कपड़े उतारने में तुम्हें कोई हेल्प चाहिए या खुद उतार लोगे? अरे नहीं नहीं हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, है ना? अरे अरे मैडम, अरे मैडम आप मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? कौन हूँ मैं? मैं इस एरिया के नई एसीपी रिया हूँ और यहाँ आते ही सबसे पहला काम मेरा ये है तुम जैसे कचरे को साफ करना। मैडम हमें माफ कर दो, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये जो लड़कियों को छेड़ते हुए घूमते रहते हो इससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं? तुम बहुत कूल लगते हो, ऐसा मन करता है तुम्हें जान से मार दूं। हम आज के बाद कोई लड़की नहीं छेड़ेंगे और हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। आगे से तो तब करोगे ना जब मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने दूंगी। मतलब तुम्हें बताया था ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के हैं। आओ तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाती हूँ, लेके आओ उन्हें। मैडम चलो और इस कमरे को लॉक कर दो। मैम मैम